अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं एक्सरसाइज 1.1 करके, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमने पहले नहीं थी की, हम अभी इसको कर रहे हैं। ये बच्चों एक्सरसाइज शॉर्ट के तौर पे आती है या एमसीक्यूज में आती है, मोस्टली एमसीक्यूज में ही आती है, ठीक है। पेज नंबर है 12। जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एंड 4। 1 पार्ट नंबर 3 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव कोलिनियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने कोलिनियर प्रॉपर्टी चेक करनी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, ठीक है। एडिशन मतलब प्लस और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अच्छा, कोलिनियर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? जिसमें हम कोई से भी दो एलिमेंट्स ले रियल नंबर में से, तो जब हम उनको जमा करें वो रियल नंबर में ही जाए, ये एडिशन के लिहाज से बता रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टीज लिखी है, मैंने एडिशन के लिहाज से लिखी है यहाँ, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात करें तो इस जमा की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि रियल नंबर में से कोई भी दो नंबर उठाए उनको मल्टीप्लाई करें तो वो उसी सेट में से जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में है पार्ट नंबर 3, ये है 0, -1। अब ये हमारे पास एक सेट डिफाइन किया गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके कोई भी एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो इसी सेट से बिलोंग करें या ऐड करें तो वो इसी सेट में ही जाए, ठीक है। या उनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें वो इसी सेट में ही जाए, तो तब हम कहेंगे कि ये कोलिनियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट एलिमेंट एक होल्ड नहीं करती, यानी कि हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं 3। अब देखिए ये इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम कह देंगे कि कोलिनियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्यों? क्योंकि हम जब भी बात करनी है वो फॉर ऑल ही नहीं बात करनी, यानी कि उसमें तमाम एलिमेंट्स की बात ट्रू हो, किसी एक के लिए भी गलत साबित होगी तो हम उसको मानेंगे, हम कहेंगे वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले हम इस सेट को नाम देते हैं, सॉल्यूशन है लेट ए इज इक्वल टू 0, -1। क्लियर? पहले हम एडिशन के टेबल बनाते हैं, ठीक है। वो टेबल आप दिखा सकते हैं कि हम कैसे निकालने जा रहे हैं। हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 0, -1। किसके लिहाज से चेक करते हैं कि एडिशन के लिहाज से, तो एडिशन में साइन ड्रॉ करें। क्लियर? सबसे पहले क्या किया, 0, -1 यहाँ भी लिखा, 0, -1 यहाँ भी लिखा। इसको चेक करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप एडिशन में साइन ड्रॉ करें। 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 को -1 में ऐड करेंगे तो आएगा -1। इसी तरह -1 और 0 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1। -1 और -1 को ऐड करेंगे तो आएगा -2। अब जो ये हमारे पास रिजल्ट आया, ये 4। 0 बिलोंग करता है इस सेट से, ट्रू हो गई बात। -1 बिलोंग करता है इस सेट से, ट्रू हो गई बात। -1 बिलोंग करता है सेट से, ट्रू हो गई बात। -2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम कह देंगे कि सेट ए इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? सेंस -2 बिलोंग नहीं करता सेट ए से, इस सेट से। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, हम लिखेंगे देयरफॉर सेट ए इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? ये हमने एडिशन के लिहाज से काम कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम यही से स्टार्ट होगा, बस इस एडिशन की जगह हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
जीरो जीरो से मल्टीप्लाई क्या होगा, आंसर जीरो आएगा। जीरो माइनस वन से मल्टीप्लाई क्या होगा, आंसर जीरो आएगा। माइनस वन जीरो से मल्टीप्लाई क्या होगा, आंसर जीरो आएगा। माइनस वन से मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा, वन। अब ये हमारे पास रिजल्ट आए चार, जीरो इस सेट में मौजूद है, ये जीरो इस सेट में मौजूद है, ये जीरो इस सेट में मौजूद है, माइनस। अब यहाँ पे प्लस फाइनल, क्या प्लस फाइनल इस सेट में मौजूद है, नहीं मौजूद। अब हमने बात की थी कि वो सबके लिए बात होनी चाहिए, किसी एक के लिए भी गलत साबित हुई तो हम कह रहे थे वो क्लोज नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस वन बिलोंग नहीं करता सेट ए से, therefore set A is not closed with respect to multiplication। clear? यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म हुआ, next पार्ट करते हैं। आपने पूरा लिखना छोटा लिखना,
एडिशन होल्ड करता है, क्योंकि सेंटर में किसका साइन है? एडिशन का। ये है पार्ट नंबर वन। सिर्फ आपने यही लिखना है कि इसका आंसर है। पार्ट नंबर सिक्स की बात करते हैं, ये है 4.1 + -4.1 = 0। अब ये जो प्रॉपर्टी साइड पर लिखी हुई है, देखिए किससे मैच कर रहा है, ये बच्चे इससे मैच कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स से, वो नंबर या उसका नेगेटिव नंबर पे, उनकी जगह भी तब्दील कर दे तो आंसर जीरो ही रहेगा। ये देखिए बच्चों 4.1 है, फिर उसका नेगेटिव भी है, यानी कि उसका इनवर्स भी है, इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आपने पूरे लिखा है, शॉर्ट में लिख लिया, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7, a - a = 0। फिर ठीक है, a और माइनस a को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, बट सेम एज इट इज, इसी की तरह वो नंबर उसका नेगेटिव यानी कि एडिटिव इनवर्स, इसे हम क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, मुझे प्रॉपर्टीज ऐसे कैंसिल किसने आते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9, ये है a (b - c) = (ab - ac). ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, अब यहां पर जो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे देखें। अब ये a है कि जब b से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ab, इसी तरह a जब c से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ac। अब देखिए यहां पे अगर हम देखें तो ये लेफ्ट साइड से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये आंसर देगा। हम लिख देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, सेपरेट कर रहे, अलग अलग कर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक्स वाला होमवर्क, या तो चेक करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके बाद बात करते हैं एक्स आई, ठीक है, ये है 4 × 5 × 8 = 4 × 5 × 8। अब जो साइड की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है उससे देख के बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास बन रही है ये a + b + c ही है, लेकिन यहाँ पहले मैट्रिक्स आ गई है, इसके बाद यहाँ पे देखें a + b + c ही है, लेकिन मैट्रिक्स किस तरह आ गई है, यहाँ पे लास्ट दो पेयर और यहाँ पे पहले दो पेयर, सेम एज इट इज। ये भी देखिए तो ये पहले लास्ट दो पेयर, फिर ये शुरू वाले दो पेयर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? एसोसिएटिव। और सेंटर में साइन है मल्टीप्लाई का, तो हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाली है उसको देख लेते हैं, यह a (b) + c - d = (ab + ac - ad). ऐसे है बच्चों, अब देखिए ab से मल्टीप्लाई होगा, ac से मल्टीप्लाई होगा, ad से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे है। तो मल्टीप्लाई होने से आगे क्या कर रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, ठीक है, ab ac और ad आ रहा है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लियर, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, छोटा सा है, 4 का पार्ट नंबर 1, यह है a/c + b/c = a + b / c। ऐसे ही बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा बस दोनों साइड से शुरू कर लेते हैं। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है a/c + b/c, 1 और c को अलग अलग कर दें और यहां पे भी 1 और c को अलग अलग कर दें।
अब जो हम इसे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के दोनों को ऐड कर रहे हैं, लिखेंगे यूजिंग अपनी असाइनमेंट की राइट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे और ए और बी जमा होगा और बाय कॉमन क्या है यहाँ पे वन ओवर सी, इसको ले लिया कॉमन। अब अंदर का अरिथमेटिक है तो ये आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है बच्चों, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।